नदी भाई थोड़ा सा बताएं इस परिंदे के बारे में, पब्लिक को सिर्फ ये बताएं कि ये हम इसे क्यों उड़ा रहे हैं और उनको भी नहीं रखना चाहिए या रखना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा परिंदा था जो खुशनसीब था जो आपके हाथों में आया, एक ट्रैपर साहब ने लिया, स्टेपी ईगल है। और मैं इस वक्त सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो समझते हैं इस परिंदे को पकड़ के भाई लखपति हो गए, तो भाई हम अभी तक लखपति नहीं हुए, हमने अभी तक जो है ना हज़ार भी नहीं कमाए। ये परिंदा जो है ना इकोसिस्टम का एक अहम रुकन है और ये माहौल दोस्त परिंदा है, इसको आज़ाद रहने में आज़ाद गाँव में देखने में जो मज़ा है ना वो हाथों में नहीं है। देखने कितना बुरा लग रहा है लेकिन जब ये उड़ रहा होगा तो कितनी इसकी, ये पूरे माशे के लिए काम कर रहा बेचारा, इसके बदले ये कोई काम नहीं कर रहा। माशे के लिए कैसे काम कर रहा है कि बेचारा फसलों में जाता है, चूहे पकड़ता है, हंटिंग करता है चूहों की, ऐसे जानवरों की जो कि माहौल दोस्त नहीं है, और उनका एक मेयार जो बरकरार रखा हुआ है तादाद के हिसाब से, और हम इसकी तादाद घटाने में लगे हुए, इसका मतलब अपनी खुराक पे खुद ही जो है ना जो रसमाई। अच्छा ये शायद स्टेपी इंडेंजर्ड स्पीशीज में भी है शायद, मुझे ये अब हो गया कंफर्म नहीं है लेकिन जी हाँ बिल्कुल हो गया शायद, मैंने पढ़ा था। इतना खूबसूरत परिंदा है, इसके परों का वैन दिख रहा है और ये उड़ते वक्त क्या है इसकी शान होगी, मेरी 6 फीट 3 इंच हाइट पे इसके देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। अब ये फुली फिजा में जब उड़ेगा तो आप उसी का ही तो मजा है, उसी का ही तो मजा है। ये पकड़ो कितना इसका विंग स्पैन, मैंने सुना है 5 फीट 6 फीट तक जाता है। अब देखें ये परिंदा जब फिजा में उड़ेगा तो क्या शान होगी, बंदा सुबहाने लगेगा तस्बीह पढ़ने मजबूर हो जाएगा, छोटी सी टेल, फैट बॉडी और बड़े लंबे पर हैं इसके विंग। ये परिंदा वो परिंदा नहीं है कि जो आप इसको फैलकर में इस्तेमाल कर सके, ऐसे पेट रख सके, ऐसा पेट भी मतलब इसको रखने का कोई पर्पज मुझे समझ नहीं आता नहीं है। और मैं तो सिर्फ यही एक मैसेज दूंगा कि जहाँ जहाँ ऐसे परिंदे आप लोगों को नजर आए इसको रेस्क्यू करें, खुदा के लिए आजाद करें, इसको खरीदने के बाद और इसको पकड़ने के बाद आप लखपति नहीं होंगे लेकिन इसकी दुआओं से उम्मीदें करो। सही है, यही एक मैसेज है। अच्छा ये जब फ्लाइट कर रहा होता है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में ये मैंने मुझे बता रहा था हारून के ये वाइट जो स्ट्रीक है ना ये इसकी मेन आइडेंटिफिकेशन, लेकिन बहुत अच्छे प्लूमेज में बहुत मुझे फीमेल है और ये भी छोटी है, इससे काफी बड़ी बड़ी हम लोगों ने पकड़ी है। इससे पहले वाली जो हमने रेस्क्यू की थी वो बड़ी थी जी, बहुत बड़ा बिल्कुल ठीक है नदी भाई।